अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको क्यों पढ़ते हैं, या हमारे पास इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? अच्छा, इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज क्लासिफाइड डेटा। अब हमारे पास पहले क्या था, डेटा एक फैक्ट्स थे, या हमारे पास क्या था, एक स्पेसिफिक समझ ले के कलेक्शन थी नंबर ऑफ नंबर्स की, अल्फाबेट की, इनकी। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, इंफॉर्मेशन की, तो ये ऑर्गेनाइज क्लासिफाइड डेटा है। क्या है? क्लासिफाइड डेटा विच है सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर द रिसीवर। अब इसका मकसद ये है, आप इसी डेटा को जो आपने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा, जब प्रोसेस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक इंफॉर्मेशन मिलती है, या एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। सही है? अगर आप बात करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की, नंबर ऑफ वैल्यूज की, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। देखें, अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं 7100, इसका मकसद क्या होता है? 7100 एक डिजिट है, सिंपल सा है ना। लेकिन अगर मैं इसके नीचे लिख दूं कि हैदराबाद का जिप कोड है ना, तो इस 7100 की कोई स्पेसिफिक मीनिंग मिल गई ना हमें, कि ये जो डिजिट है ये किस पर्पस के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो बेटा डेटा वो होते हैं जो अनप्रोसेसेबल होते हैं या अनमीनिंगफुल होते हैं, और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, जिसकी कोई स्पेसिफिक क्या होती है, वैल्यू होती है। उसके बाद किसके लिए, रिसीवर के लिए। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो अगले को समझ में भी तो आनी चाहिए ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इंफॉर्मेशन तभी होगी जब आपका आप डेटा या वो इंफॉर्मेशन भेजो और अगला समझे उसे। उसके बाद, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा ऑन विच डिसीशंस एंड एक्शंस आर बेस्ड। हम डेटा पे डिसीशन नहीं ले सकते, हम किस पे लेते, इंफॉर्मेशन पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कि जब भी कोई न्यूज आती है लेकिन वो न्यूज आपकी वेरीफाई नहीं होती, उसका कोई स्पेसिफिक हमारे पास क्या नहीं होता, सोर्स नहीं होता, तो आप उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन उसी न्यूज को प्रोसेस करने के बाद जब आपको पता लगता है कि क्या वो सच्ची है या झूठी न्यूज है, तो उसके बाद आप क्या लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं। यही होता है ना। तो ऐसा समझो, डेटा हमारे पास क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है, और ये हमारी क्या होती है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, मीनिंगफुल डेटा होता है। अच्छा, फॉर द डिसीशन टू बी मीनिंगफुल द प्रोसेस डेटा मस्ट क्वालिफाई फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप जब भी कोई डिसीशन लेते हैं, डिसीशन लेने से पहले पता तो चले कि वो इंफॉर्मेशन है या डेटा है, तो में आ रहा है, तो आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से मेजर कर पाएंगे। तो यहां पे देखें, टाइमली इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। हमारे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन जब टाइम पे मिल जाए, एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम पे होनी चाहिए। दूसरी बात, एक्यूरेसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। थर्ड क्या है, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, राइट। तो हमारे पास ये क्या है, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलनी चाहिए, दूसरा एक्यूरेट होनी चाहिए, तीसरा कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे, या तभी आप कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक अ यू कैन से स्पेसिफिक डिसीजन। कौन सा क्लियर है यहां तक? चले भाई, ये थी इंफॉर्मेशन।